ये तस्वीरें जिला हमीरपुर से सामने आई हैं, जहां पर बरसात के चलते वन विभाग ने पौधे लगाने का काम शुरू कर दिया है। वन विभाग हमीरपुर लगातार जंगलों में पौधे लगाने का काम कर रहा है। विभाग की माने तो हमीरपुर जिले में इस बार 177 हेक्टेयर वन भूमि पर पौधों का रोपण किया जाएगा, जिसमें 108 हेक्टेयर वन भूमि पर लंबे पौधों का रोपण किया जाएगा। वहीं 69 हेक्टेयर भूमि पर सामान्य पौधों का रोपण किया जाएगा। हालांकि हमीरपुर जिला में बरसात के मौसम के चलते वन भूमि पर पौधों का रोपण वन विभाग के कर्मचारियों और लोगों के सहयोग से किया जा रहा है। वहीं वन विभाग को बरसात के चलते नर्सरी में लगे पौधों का नुकसान भी पहुंचा है। वहीं हमीरपुर वन विभाग के जिला अधिकारी का कहना है कि अगस्त महीने के पहले सप्ताह तक निर्धारित लक्ष्य को पूरा कर लिया जाएगा। देखिए, इस बार वन विभाग जो है जिला प्रशासन के सहयोग से जो शहर की मुख्य सड़कें हैं जहां पर लोग मॉर्निंग वॉक करते हैं, जैसे सर्किट हाउस से लेकर अणु चौक तक या नीचे जो अणु से गांधी चौक वाली मेन सड़क है, या इसमें दोनों ओर जो है इस बार जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं उनको लगाने का अभियान छेड़ा है, जिसमें जिला प्रशासन का भी सहयोग मिला है। आपको बता दें कि बरसात के मौसम में वन विभाग जिला प्रशासन के सहयोग से शहर के मुख्य सड़कों के किनारे पौधे लगाएगा, जिसमें हमीरपुर सर्किट हाउस से गांधी चौक की तरफ जाने वाली सड़क के दोनों ओर फ्लावरिंग प्लांट लगाए जाएंगे। लगभग 3 किलोमीटर के दायरे में हमीरपुर शहर के सड़कों के किनारे फ्लावरिंग पौधे वन विभाग की ओर से रोपित किए जा रहे हैं, और अब तक वन विभाग की ओर से 1200 पौधों की प्लांटेशन की जा चुकी है। सूर्य समाचार के लिए हमीरपुर से जसबीर कुमार की रिपोर्ट।